अरिहंत की रसोई 100% वेज आज आप सभी के लिए बना रही ओट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओट्स बहुत हेल्दी होता है, लेकिन आज हम उन्हें बना रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से। हम बड़ों की छोटी छोटी भूख के लिए बहुत ही हेल्दी तरीके से आज अरिहंत की रसोई बनाएगी ओट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज हम अपने हेल्दी ओट्स बनाना। हम बड़ों के लिए, बड़े क्या, इसे बच्चे बड़े बूढ़े सभी इंजॉय करें। ये मैंने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल गरम होने को रखा हुआ है। तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने डाला जीरा, एक छोटा चम्मच जीरा। ये एक प्याज है जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, मीडियम साइज की एक प्याज। तेल गरम होने के बाद गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। हमें प्याज को सिर्फ हल्का सा गुलाबी करना है, एकदम लाल नहीं करना है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और एक छोटी ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, क्योंकि मैं मसाला ओट्स का यूज़ कर रही हूँ, प्लेन ओट्स का नहीं, इसीलिए मैं ये हरी मिर्च कम डाल रही हूँ। मसाला ओट्स में जैसा आप सभी जानते हैं कि मसाले मिले होते हैं, आप अगर प्लेन ओट्स का यूज़ करें तो मिर्च अधिक कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटा साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ। इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ आधा मिनट। ये देखिए ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैं इसमें ये कुछ सब्जियां मिक्स करूंगी, जिसमें मैंने मटर ली हुई है, गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी और स्प्रिंग अनियन यानी कि हरे प्याज के पत्ते। आप इन सब्जियों को अपनी पसंद की सब्जियों से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर चुकंदर यानी कि बीटरूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उबले हुए राजमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने गाजर डाल दी। ये सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये डिश बहुत ही हेल्दी है सारे एज ग्रुप के लोगों के लिए। अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी, ये फूल गोभी, और ये शिमला मिर्च कटी हुई। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें डालूंगी स्प्रिंग अनियन। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मैं एक छोटा चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। देखिए सारी सब्जियाँ हरी, लाल, सफ़ेद, ये सारी बहुत ही हेल्दी सब्जियाँ हैं, सारे ग्रीन वेज। इस सीज़न में ये सभी बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अब मैं इन्हें ढक कर के, जब तक ये कुक नहीं हो जाती हैं, मैं इन्हें 90% तक पकने दूँगी। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ये मसाला ओट्स लिया हुआ है एक कप, और मैं इसमें डालूंगी पानी 1.5 कप, यानी कि 1 कप मैंने ये मसाला ओट्स लिया हुआ है और 1.5 कप मैं डालूंगी पानी। आप यहाँ पर सिंपल ओट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं बॉयल कर लूंगी, इसे मैं थोड़ा गीला ही रखूंगी, एकदम सूखा नहीं पकाऊंगी। इसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए ओट्स हमारे ये बॉयल हो गए हैं, मैंने इसे इतना ये गीला रखा है। ये एक और हमारी ये सब्जियां भी अब तक पक गई हैं, मैंने इसे ढक के पकाया था जैसा आपको बताया। ओट्स में कुछ सब्जियां मिक्स भी रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं रहता लगता ऐसा कि वो सफिशियंट हैं, तो इसीलिए मैंने ढेर सारी वेजी डाल के ये हेल्दी ओट्स बनाया है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और आप सबके लिए। ये देखिए
ये ओट्स मैंने इन वेजीज में मिक्स कर दिया। अब मैं इसे एक मिनट के लिए इसी तरह से पकने दूंगी, जिससे ओट्स और सारी सब्जियां एक दूसरे में खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इसे ढककर भी एक मिनट पका सकते हैं या फिर खोलकर भी एक मिनट पका सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए कितनी अच्छी पक गई हैं। गैस को मैं बंद कर दूंगी। देखिए पानी कितना कम हो गया है, कितना गाढ़ा सा हो गया है, इसीलिए मैंने इसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी थी ओट्स को बॉयल करते समय। और ये हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यूट्यूब पे अरिहंत की रसोई 100% वेज को ये पूरी तरह से फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ आप तक ही पहुँचे। ये देखिए ये सर्व करने के लिए तैयार, बहुत ही हेल्दी, परफेक्ट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। आप सभी इसे इंजॉय करिए। ये आपकी छोटी छोटी भूख के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये एक टुकड़ा मक्खन का। ये ऑप्शनल है, आप डालिए या ना डालिए, लेकिन मुझे इसमें बटर बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसे गार्निश करूंगी फ्रेश धनिया के साथ। तो ये लीजिए, मेरी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है बन करके खाने के लिए। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हेल्थ इज हैप्पीनेस। नमस्कार।